1948 में महात्मा गांधी की शहादत हुई और 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर चल बसे। मुझे लगता है कि आज अगर वो कहीं भी हैं तो आज वो ताली बजा रहे हैं और शायद नाच रहे हैं। आज मार्टर्स डे है और हम सब दो मिनट के लिए खड़े भी हुए थे और हमने सब शहीदों का आदर किया। मुझे वो कागज़ चाहिए, मेरे कागज मत ले जाइए आप। और हाँ, गांधी जी को गोली से मारा गया, लेकिन हमारे देश में कितने मार्टर्स हुए। कल हमने गौरी लंकेश को याद किया और हम दाभोलकर जी और पांसरे जी, कलबुर्गी जी और औरों को भी याद कर रहे हैं। लेकिन मैं आज क्योंकि बाला साहेब प्रकाश एडवोकेट प्रकाश का अम्बेडकर हमारे साथ हैं, मैं हम सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी गांव-गांव में कई लोग बिना किसी की जानकारी औरों की जानकारी के मार्टर हो रहे होते जा रहे हैं। गरीब लोग, दलित लोग, सच है ना, लेकिन उनके नाम हमें नहीं पता है। तो जो अननोन मार्टर्स हैं, खासकर उन्हें उनका स्मरण हमें आज करना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम, क्योंकि इतने लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है हमारे देश में, हमारा समाज करता है, हम शर्म के साथ। और आज गांधी की शहादत के दिन हम खास, ये ज़रूरी है कि हम इसे याद करें कि ऐसा होता है हमारे देश। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि अगर अंबेडकर और गांधी नहीं होते तो हमारे देश का क्या हालत होता, उसके बारे में हमें सोचना है। ये बिल्कुल सही है कि जो शक्तियां आज काफ़ी सत्ता में हैं वो 1920, 1930, 1940 में भी हावी थी, लेकिन गांधी और अंबेडकर के नेतृत्व में, चाहे वो अलग अलग जगह से नेतृत्व दे रहे थे देश को, उनके नेतृत्व की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक गजब का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें हमारे जो ऊंच नीच का सवाल था और हिंदू मुस्लिम सवाल था उसको हल करने के लिए एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में बन गया। और अगर गांधी और अंबेडकर नहीं होते तो वो नहीं बनता, बिल्कुल उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज जो आदमी की, व्यक्ति की आज़ादी है वो कहाँ है। आज हम अगर कुछ स्पष्ट बात कहना चाहते हैं तो लोगों को आपत्ति होती है, और अगर हम रोना भी चाहते हैं तो भी लोगों को आपत्ति होती है। और जब हर्षमंदर कई लोगों को लेकर के घरों में गए जहां लोग मारे गए थे तो उनको रोकने की कोशिश की गई। तो ये भी आज हम जानते हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं और आंख में आंसू भी आसानी से ला नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि गांधी जी का बहुत आदर होता है आजकल, करेंसी नोट में तो उनका नाम है, और कई शहरों में दीवारों में एक नई गांधी की तस्वीर आती है, चश्मे वाला गांधी जो सड़क साफ कर रहा है। अच्छी तस्वीर है, उचित तस्वीर भी है। अगर गांधी को कहा जाए कि हम तुम्हें सड़क साफ करने वाले के नाम से ही याद करेंगे, गांधी को तो आपत्ति नहीं होगी, वो तो कहेगा कि मैं दूसरे हाथ में भी दूसरा झाड़ू दे दो, मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि गांधी की पहचान यही है कि वो सड़क साफ करता है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उसका क्या हुआ? कुछ लोग तो कहते हैं हाँ 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 हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमने दलितों पर पिछले जमानों में अत्याचार किए थे, हम उनसे माफी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सारा हिंदू समाज एक हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, सबको हम अपने खेमे में लाना चाहते हैं, अपने तंबू में, लेकिन मुसलमान दूर रहें। हम आपको यूनाइट करेंगे मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अगर ऐसा हम करना चाहते हैं तो वो गांधी के खिलाफ है और अम्बेडकर के खिलाफ है।
गांधी और अम्बेडकर बीच में संवाद हुआ, विवाद भी हुआ, लेकिन कितने ही मसले थे जहां वो बिल्कुल एक जगह थे। बोलने की आजादी, विश्वास करने की आजादी, नास्तिक रहने की आजादी, बोलने की आजादी। मुझे विनोबा का भी याद आ रहा है, आज हम विनोबा को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 1940 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, उसको भी हमें, तो उसमें गांधी और अंबेडकर बिल्कुल एक जगह थे। नॉन वायलेंस, कभी बाबा साहेब अंबेडकर ने जितना उन्होंने, जितनी उन्हें चोट सहन की जिंदगी भर, संघर्ष किया, उन्हें, उनके सामने रुकावटें आई, लोगों ने बहुत तकलीफ दी, लेकिन किसी वक्त भी क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि तुम लाठी लेकर, बंदूक लेकर, तलवार लेकर कुछ हासिल करो? नहीं कहा। नॉन वायलेंस के जबरदस्त प्रतीक थे बाबा साहेब अंबेडकर, और दोनों चाहते थे कि भारत एक सबका देश हो, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, जैन का, बुद्ध का, यहूदी का, सबका, सिख का। बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिंदू राज एक बहुत खतरा है हमारे देश को, हिंदू राज एक पागलपन होगा, ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। हां, गांधी तो राम का नाम लेते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, लेकिन गांधी कई बार कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा देश सेक्युलर देश हो। तो सेक्युलर देश के मामले में भी बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी एक जगह हैं। अब सवाल असली ये है कि आज हम क्या करें। तो मैं प्रकाश जी अंबेडकर को, क्योंकि मैं तो उनसे उम्र में काफी बड़ा हूं, इसलिए मैं कुछ उन्हें कहना चाहता हूं। आज सबको एक साथ लाने की बहुत जरूरत है, सब नागरिक को, सब राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लाने की बहुत जरूरत है, और ये काम अगर कोई कर सकता है तो प्रकाश अंबेडकर कर सकता है। तो मैं गांधी के नाम पर और भारत की जनता के नाम पर और भारत के जो नागरिक हैं उनके नाम पर मैं आपसे अपील करता हूं, प्रकाश अंबेडकर जी, आप अपना समय, अपना जोश, अपना मन, अपनी कलम, अपनी बोली इस काम पर लगाएं, लोगों को साथ लाएं। और लोग अगर साथ नहीं आना चाहते फिर भी उनसे आप कुछ तरकीब कीजिए, गणेश देवी का भी साथ लीजिए, वो भी आपकी मदद करेंगे। इनको साथ लाने की जिम्मेदारी मैं कहना चाहता हूं इस आश्रम की ओर से, लेकिन वो उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं भारत की जनता की ओर से कहता हूं कि ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। बहुत कठिन काम है, इसमें अगर आपको कोई भी कीमत देनी पड़े तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो आप कीमत देने के लिए तैयार रहें।